नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आज दिन भर की यूपी की बड़ी खबरों के साथ। आज का यूपी में फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। एएसआई की टीम ने परिसर में सर्वे शुरू किया तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिला जज की अदालत के आदेश का हवाला देकर सर्वे रोकने की मांग की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन तक सर्वे पर स्टे लगा दिया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रक्षा एवं एरोस्पेस के क्षेत्र में मिले निवेश प्रस्ताव और निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए राज्य सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े विकास कार्यों को गति देना शुरू कर दिया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नॉट्स को और अधिक विकसित करने के लिए 742 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ नॉड में सड़क, बिजली, पानी के साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टि से भी कई विकास कार्य कराए जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन में A++ रेटिंग पाने के बाद से ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग सिलेबस शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नए सेशन से ऑनलाइन सिलेबस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले BCom और BBA सिलेबस में एडमिशन लिए जाएंगे, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बता दें कि UGC की गाइडलाइन के मुताबिक NAAC रेटिंग के टॉप रेटिंग पाने वाले शिक्षण संस्थान ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। बनारस समेत प्रदेश की 11 छावनियों को नगर निगम में विलय करने की कोशिश को तेज कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक रक्षा संपदा को पत्र लिख कहा कि कैंटोनमेंट अपनी संपत्तियां खंगाल ले, देख ले कि नगर निगम में विलय किए जाने की स्थिति में आबादी को कितना फायदा पहुंचेगा। पहले चरण में प्रदेश के मथुरा, शाहजहांपुर, बबीना और फतेहगढ़ को रखा गया है। यहाँ पर नागरिक क्षेत्र को अलग करने के आदेश हो चुके हैं। औरैया जनपद के सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे ना होने के कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों की निगाह बांधने के लिए SP चारू निगम ने ऑपरेशन दृष्टि शुरू किया है। इसके तहत जिले के बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, सड़क किनारे कार्यालयों व आवास के मालिकों की मदद से निगाह रखी जाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने KGMU को चिकित्सा शिक्षा केंद्र के लिए नोडल सेंटर बनाया है। ये सेंटर चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को नवीन चिकित्सा तकनीक का प्रशिक्षण देगा। इसकी पहली कार्यशाला सोमवार को आयोजित की जा रही है। इसमें देश के 30 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। KGMU में आज से शुरू हो रही कार्यशाला 27 जुलाई तक चलेगी। कानपुर रीजन और शहर में आयकर लगातार बढ़ता जा रहा है। लक्ष्य से ज्यादा का आयकर जमा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहर में 2301 करोड़ का आयकर जमा हुआ, जबकि लक्ष्य 2284 करोड़ था। कानपुर रीजन में 36,500 करोड़ आयकर जमा हुआ है, जबकि लक्ष्य 36,000 करोड़ था। बता दें कि कानपुर रीजन ने देश के कुल 18 रीजन में टॉप किया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 40,000 करोड़ का आयकर लक्ष्य कानपुर रीजन के लिए तय किया गया है। यूपी में यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई पहल की शुरुआत हो गई है। आपकी सीट पर जो बैजोल मिली है उसकी सफाई और पैकेजिंग कैसे हुई है, इसे आप अब आसानी से देख सकेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 9 गोरखपुर पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री से निकलने वाले बैजोल के पैकेट पर अब QR कोड के स्टिकर लगने शुरू हो गए हैं। इसके जरिए आप मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके धुलाई की प्रक्रिया देख सकेंगे। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2.50 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा करना अब आसान होगा। 20 केंद्रों के उपभोक्ता जल्द पावर कॉरपोरेशन के CCB सॉफ्टवेयर से जुड़ सकेंगे। इसके बाद उपभोक्ता यूपी के किसी भी बिजली केंद्र पर बिल जमा कर सकेंगे। ये लाभ मोहनलालगंज, गोसाईगंज, अमेठी, मलिहाबाद, काकोरी, बिजनौर आदि को मिलेगा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने एक नई पहल करते हुए अब जीवित साहित्यकारों पर भी PhD कराने का फैसला किया है। इसके लिए जाने माने साहित्यकारों की सूची तैयार की जा रही है। ये फैसला इसी सत्र से लागू किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल उन सभी साहित्यकारों पर कार्य किया जाता है जो जीवित नहीं है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।